students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के इस वीडियो सेशन में मैं जिस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाला हूँ वो बेस्ड है ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन और ये NTA से लिया गया एक न्यूमेरिकल है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑथराइज्ड ऐप है। वहां पे आपको काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल ये है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि आपको एक इंक्लाइंड प्लेन बताया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे दो पार्टिकल्स बताए गए हैं, एक पी और एक क्यू। पी के बारे में बताया गया है कि इसे हम लोग यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। अब कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं ये नहीं बताया गया है और ये भी बताया गया है कि साइमल्टेनियसली आप Q को जस्ट रिलीज करते हैं डाउन द इंक्लाइन, यानी कि Q स्लाइड करता हुआ इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है और P को प्रोजेक्ट किया है आपने, तो P प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आ रहा है। और ये बताया गया है कि आफ्टर 4 सेकेंड बोथ P एंड Q कोलाइड और आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि यू की वैल्यू क्या होगी। सो गाइस, सीखने के लिहाज से ये एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, कॉलिजन के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल मैं इसे कहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों पार्टिकल के बारे में, उनके मोशन के पैरामीटर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं P से। तो P के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट अस से ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है और P को मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ये एंगल के बारे में हमें बताया नहीं गया है, लेट अस से ये एंगल अल्फा है। सबसे पहले हम लोग एक्सिस कंसिडरेशन कर लेते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस किसे कहने वाले हैं और वाई एक्सिस किसे कहने वाले हैं। तो लेट मी कॉल डाउन द इंक्लाइन एज एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एज वाई एक्सिस और ये मेरा यू वेलोसिटी है जिससे मैं पार्टिकल पी को प्रोजेक्ट करने वाला हूं। अभी यू की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक एक्स एक्सिस के अलोंग। तो चलिए लिखते हैं फॉर पार्टिकल पी, माय यू एक्स गोइंग टू बी हाउ मच। लेट अस से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं मान रहा हूं ये एंगल थीटा है। कहने का मतलब वेलोसिटी वेक्टर यू जो है वो आपके इंक्लाइन प्लेन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। तो मैं यू एक्स के बारे में बता सकता हूं कि इट इज गोइंग टू बी यू कॉस थीटा। सिमिलरली मैं यू वाई के बारे में बता सकता हूं, इट वुड बिकम यू साइन थीटा। अब चलिए एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी जी। अभी इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डाउन द इंक्लाइन ये वाला कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा। चलिए इसे लिख देते हैं अल्फा। तो ये आपके एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट हो गया और ये आपके एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट हो गया। तो सबसे पहले ए एक्स की बात कर लेते हैं, ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये जी साइन अल्फा हो गया। तो चलिए लिखते हैं ए एक्स की वैल्यू, इट विल बी जी साइन अल्फा। और साथ ही साथ ए वाई की भी वैल्यू लिख लीजिए, इट विल बी जी कॉस अल्फा, बट आपका वाई एक्सिस ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव माना है और ए वाई की जो डायरेक्शन आई है वो इसके ऑपोजिट है। तो ये जो एक्सेलरेशन ए वाई आएगा वो माइनस जी कॉस अल्फा आने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्टिकल क्यू की, पार्टिकल क्यू के साथ क्या हो रहा है, मोशन के कैसे पैरामीटर्स हैं। सो आई विल से फॉर पार्टिकल क्यू। ओके, अगर मैं क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपको पता चलेगा कि क्यू का अगर मास मैं एमजी ले लेता हूं तो ये एमजी है और यहां पे एक नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं होगी क्योंकि आपका इंक्लाइन प्लेन जो है वो स्मूथ है। अभी इस एमजी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला।
चूंकि ये एंगल आपका मैंने अल्फा माना है यहाँ पे, ये एंगल आपका अल्फा है, तो mg के जो दो कंपोनेंट हुए ये एंगल अल्फा है, इस वजह से ये एंगल भी अल्फा होगा mg का, ये वाला जो कंपोनेंट है इट वुड बिकम mg cos अल्फा जो कि नॉर्मल के द्वारा बैलेंस हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट आ गया mg sin अल्फा, तो mg cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा नॉर्मल के द्वारा, और पार्टिकल q जो है उसके ऊपर में एक ही रिजल्टेंट फोर्स है वो है mg sin अल्फा का, और यही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। सो q पार्टिकल के पास बस एक ही एक्सेलरेशन होगा एंड दैट एक्सेलरेशन वुड बी a इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज mg sin अल्फा अपॉन m, तो इट वुड बिकम g sin अल्फा। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, सो आई विल से फॉर पार्टिकल q u x इज जीरो एंड u y इज जीरो, a x इज प्लस g sin अल्फा एंड a y इज जीरो। सो गाइस मैंने मोशन के सारे पैरामीटर्स यहां पे लिख दिए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे ये बोला गया है कि 4 सेकंड के बाद ये दोनों P और Q आपस में कोलाइड करते हैं, और अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं तो इन्हें 4 सेकंड के बाद सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे होना पड़ेगा, एंड दैट इज द नेसेसिटी फॉर अ कोलिजन। और ऐसा होने के लिए जरा ध्यान दीजिए, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल P का वो है U cos थीटा, और पार्टिकल q का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है जीरो, पार्टिकल p का जो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस है वो है g sin अल्फा, और वही एक्सेलरेशन पार्टिकल q का भी है अलोंग x एक्सिस दैट इज g sin अल्फा, और 4 सेकंड के बाद इनका जो x कोऑर्डिनेट रहने वाला है वो भी सेम रहने वाला है क्योंकि यहां पे कॉलिजन होगा। तो कहने का मतलब अगर दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस सेम है, आफ्टर 4 सेकंड दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो क्लियर कट हम लोग यहां से कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी सेम होगा। कहने का मतलब यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा इट विल बी जीरो। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड किए कि यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा will be equal to 0 and that is theta is equal to 90 degree। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपके पास एक limitation है, एक foundation है कि आप particle P को inclined plane के perpendicular direction में ही project कर सकते हैं, किसी और direction में अगर आप इसे project करते हैं तो ये collision नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत ही important piece of information है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके काम आने वाला है। सो गाइस अभी तक के डिस्कशन से हम लोग ये कंक्लूड कर चुके हैं कि हमारा जो पार्टिकल P है उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब हमें ये पता है कि आफ्टर टाइम T ये जो पार्टिकल है वो Q के साथ कोलाइड करने वाला है, और ये कॉलिजन तभी हो सकता है जब ये 4 सेकंड के बाद वापस से इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाए, क्योंकि Q पार्टिकल जो होगा वो हमेशा ऑल द टाइम इट विल रिमेन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। सो टू मेक कॉलिजन हैपन द पार्टिकल P विल हैव टू फिनिश इट जर्नी बाय 4 सेकंड। 4 सेकंड में पार्टिकल P को अपना प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करके वापस से इंक्लाइन प्लेन पे आना पड़ेगा, मतलब कि 4 सेकंड जो है वो इस पार्टिकल P का टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो है 2uy अपॉन gy का मैग्नीट्यूड। अब जैसा कि आप देख चुके हैं कि आपके वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वही इसका टोटल वेलोसिटी है, कहने का मतलब कि वेलोसिटी का कोई x कंपोनेंट है नहीं, यानी कि टोटल की टोटल जो u वेलोसिटी है वो y एक्सिस के अलोंग ही है, सो आई कैन से u x इज जीरो एंड u y इज सिंपली u। आई एम टॉकिंग अबाउट फोर पार्टिकल p। तो हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि अपना टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है,
टू इन टू स्पीड हमें पता करना है यू, और जी वाई की वैल्यू जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था इट वॉज जी कॉस अल्फा। तो चलिए लिख देते हैं जी कॉस अल्फा। अब u की वैल्यू आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इट वुड बिकम 4g cos alpha अपॉन 2। वैल्यूज प्लग इन करते हैं, g के जगह मैं 10 रख रहा हूं, cos alpha, alpha is 60 degree, the angle between the inclined plane and the horizontal it is 60 degree, so cos 60 degree upon 2। So I can say it would become 4 into 10 cos 60 degree is half upon 2। ये 2 और ये 4 cancel हो गया and finally I am getting 10 meter per second। So अगर आप 10 meter per second से particle P को inclined plane के perpendicular direction में project करेंगे तो after 4 second पार्टिकल पी और पार्टिकल क्यू कोलाइड करेगा। सो गाइस, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन, कोलिजन और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे, और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching the video. See you next time. Till then, goodbye. Thank you.